जैन साथियों, मेरा नाम है अजीत फौजी सुंगरपुरिया और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ओम स्पोर्ट्स अकेडमी तोसाम भिवानी। साथियों, आज हम जो बात करने वाले हैं वो हरियाणा में आने वाली भर्तियों के बारे में बात करेंगे, जो लगभग हरियाणा के सभी डिपार्टमेंट में भर्तियां होंगी और आपके जो सेट का एग्जाम है उसके बारे में भी बताएंगे हमारे इस वीडियो में। तो जो भी भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हम आपको हर प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, हरियाणा और भी कई स्टेटों की जो भर्तियां हैं उनके बारे में पूरी पूरी सही जानकारी देते हैं। तो साथियों, हम पल पल पर नज़र बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं हम हर भर्ती के बारे में आपको करेक्ट और सही जानकारी उपलब्ध कराते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो साथियों। अब चलते हैं, आपको भर्तियों के बारे में डिटेल से बताते हैं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं पिछले एक साल से हरियाणा के अंदर कोई भी भर्ती नहीं की गई है, तो इसके लिए बार बार युवाओं की आवाज़ उठ रही है भर्ती कराने के लिए। तो अब सरकार ने फैसला लिया है कि ग्रुप सी और डी के लिए जो अगस्त महीने में सीईटी टेस्ट कंडक्ट करवाने की योजना कर रही है सरकार, इसके लिए जो है हमारे जो चेयरमैन हैं भोपाल सिंह खदरी एचएससी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने बताया कि हमने भर्तियों का शेड्यूल को लेकर निर्वाचन आयोग के पास मंजूरी के लिए फाइल भेजी है, अभी तक स्वीकृति नहीं मिली है। जैसे ही मंजूरी मिलने पर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। इस प्रक्रिया के अंदर सरकार लगभग 22,600 पदों पर ग्रुप सी और डी के लिए मंजूरी मांग रही है और ये इसमें सभी डिपार्टमेंट हैं लगभग, और इसमें हर डिपार्टमेंट में 500 से ज़्यादा वैकेंसी हैं। उसके लिए अभी तक जो सीईटी की साइट के लिए वन टाइम पंजीकरण करना अनिवार्य है, इसके लिए साइट अभी भी खुली है और इसकी डेट को अभी भी बढ़ाया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवा इसके ऊपर अपना जो है वन टाइम पंजीकरण करवा सकें उसके लिए। और सीईटी का जो फुल फॉर्म है आपको मैंने बता दिया कि कॉमन एलिजिबल टेस्ट बोलते हैं इसको, ये ग्रुप सी और डी के लिए लागू होगा कॉमन एलिजिबल टेस्ट सीईटी, और ये अगस्त में कंडक्ट कराने की योजना है। इसके लिए सारी तैयारियां हो चुकी हैं। इस सीईटी के लिए कमीशन ने जो है एनटीए से समझौता किया है, ये टेस्ट कम से कम 8 शिफ्टों में कराया जाएगा। साथियों, तो जो भी भाई अपने तैयारी कर रहे हैं अपनी तैयारी को और ज़्यादा जोरों शोरों से शुरू कर दें। इसके अंदर ग्रुप सी और डी के लिए सभी डिपार्टमेंट के लिए भर्ती की जाएगी और बहुत बड़ी भर्ती होने वाली है लगभग हरियाणा में, ठीक है। और ये जो डिपार्टमेंट में पोस्टें भी इसमें बताई गई हैं कि UHBVNL में जो ALM की पोस्ट है वो 3512 की संख्या है, ULB फायर सर्विस में फायर ऑपरेटर की हैं 2063 पोस्ट हैं, एरीगेशन डिपार्टमेंट में कनाल पटवारी की 1100 पोस्ट हैं, पंचायत में ग्राम सचिव की 852 पोस्ट हैं, ठीक है। HVPNL में जो ALM है 740 पोस्ट हैं, और हेल्थ डिपार्टमेंट में स्टाफ नर्स की 717 पोस्ट हैं, पब्लिक हेल्थ में वाटर एंड पंप ऑपरेटर की 669 पोस्ट हैं, उसके अलावा पशुपालन वेटनरी असिस्टेंट में 632 पोस्ट हैं। तो इस प्रकार से और भी डिपार्टमेंटों में अभी तक क्लियरेंस आया नहीं है, तो इसमें बहुत बड़ी भर्ती की जाएगी साथियों। और ये जिसने भी अभी तक सीईटी के लिए पंजीकरण नहीं किया है वो अपना साइट के ऊपर जा कर के कमीशन की वहाँ पर अपना पंजीकरण जरूर कर लें। अभी जल्दी ही जो कमीशन है एक भर्तियों का विज्ञापन जारी करेगा और ये वन टाइम जो टाइम रजिस्ट्रेशन है पोर्टल पर पंजीकरण करें, ये 15 दिन का मौका और दिया जाएगा जब से हमारा नोटिफिकेशन जारी होगा उससे, उसके बाद जल्द ही टेस्ट को किया जाएगा, कंडक्ट किया जाएगा। और ग्रुप डी में तो ये टेस्ट जो क्लियर करेंगे उनका नंबर पड़ जाएगा, लेकिन सी के लिए एक टेस्ट और भी होगा साथियों, लेकिन वो वही टेस्ट दे सकेंगे जो इस टेस्ट में क्वालिफाई करेंगे। तो इस प्रकार से ये हरियाणा के अंदर भर्तियां होंगी। तो जो भी मेरे भाई हरियाणा से संबंध रखते हैं, और 5% जो कोटा है वो अदर स्टेट का भी होता है, उसमें अदर स्टेट के बच्चे भी फार्म भरते हैं। इस अनुबंध पर के जरिए है ना रखे गए कर्मचारियों का भी रोल तय कर दिया, जो अनुबंध पर हैं डीसी रेट पर लगे हुए हैं जो भी कर्मचारी हैं उनके लिए भी सरकार ने ये रास्ता साफ किया है ताकि वो भी यहाँ पर अपनी योग्यता के अनुसार नौकरी पा सकें। इसमें बताया गया कि 3 लेवल रखे जाएंगे कर्मचारियों के लिए। पहले लेवल में क्लास 4 के कर्मचारियों को रखा जाएगा,
जिसमें अनपढ़ से लेकर 10वीं तक की योग्यता निर्धारित की गई है, जबकि लेवल 2 के लिए 12वीं और 10वीं के साथ डिप्लोमा तय है। लेवल 3 के लिए 12वीं के साथ डिप्लोमा से लेकर इंजीनियरिंग और ग्रेजुएशन तक रखी गई है। तो इस प्रकार से 3 लेवल रखे गए हैं कर्मचारियों के लिए शैक्षणिक योग्यता। तो ये आ जाएगा अभी पूरा डिटेलमेंट, शायद अभी जल्दी ही विज्ञापन जारी हो जाएगा। साथियों, ये वैकेंसियां आपको बता दी हैं, जो भी जिससे पोस्ट से संबंधित अपनी तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान लगाकर तैयारी करें, जल्द ही बड़ी भर्ती होने वाली है। तो इस प्रकार से हरियाणा के अंदर, जय हिंद साथियों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।